और ये तस्वीरें गोरखपुर से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर हैं, दौरे का आज तीसरा दिन है और देखिए दशहरे के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विजयदशमी का ये महापर्व है और इस मौके पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह गोरखपुर में मौजूद रहते हैं और इस बार भी वो गोरखपुर के दौरे पर हैं। दौरे का आज तीसरा दिन है जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत देखिए का पर्व विजयदशमी पर्व आज धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमेशा की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहते हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कुछ ही देर में रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ यात्रा में शामिल होंगे। तो हर बार की तरह ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भक्ति में देखिए लीन किस तरह नजर आ रहे हैं और विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, दशहरे पर पूजा अर्चना की जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें रथ पर सवार सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। विजयदशमी का मौका है और देखिए इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ विजयदशमी पर संतों की अदालत लगाएंगे, योगी दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे, संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे और दोषी पाने जाने वाले पर दंड भी दिया जाएगा। और देखिए इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने विशिष्ट पूजा शुरू की। पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गोरखपुर से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ दंडाधिकारी की भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में निभाएंगे। उससे पहले जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे और दोषी पाए जाने वाले को दंड भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है 4 से 5 घंटे तक चलेगा। फिलहाल अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे के कार्यक्रम की बात की जाए तो 4 बजे नाथ पंथ की विशेष वेशभूषा में योगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे, जहां शोभा यात्रा बैंड बाजों और नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी और यहां वे श्री राम का राज तिलक करेंगे और रामलीला में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करेंगे। और देखिए देर शाम गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होगा। इसमें अमीर गरीब और जाति मजहब के भेदभाव से परे बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। यह आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देगा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घंटे पहले फूलमाला लेकर खड़े रहते हैं, इससे शोभा यात्रा की खासियत और भी बढ़ जाती है। क्या ये परंपरा है? कैसे सीएम योगी को साधु संतों के विवाद निपटाने का अधिकार मिला? तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का रहने वाला है। देखिए दंडाधिकारी की भूमिका में थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उससे पहले कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे और दोषी
पाए जाने पर दंड भी देंगे। इससे पहले योगी गोरखनाथ मंदिर में सुबह देखिए उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की है। पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे और आरती उतारेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो विजयदशमी का पर्व गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया जाएगा। जागोरक्ष पूजा योगी आदित्यनाथ स्वगुरु पूजन करेंगे और शाम को विजय रथ पर सवार होकर पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा। यहाँ योगी प्रभु श्री राम का पूजन व राज्याभिषेक करेंगे। ताने बाने को मजबूत करने वाली गोरक्षपीठ की विजयदशमी की विजय शोभा यात्रा अनूठी होती है। परंपरागत शोभा यात्रा हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। दौरे का आज तीसरा दिन है जहां वो ये तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज विजयदशमी पर संतों की अदालत लगाएंगे, योगी दंडाधिकारी के भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और संतों के बीच देखिए होने वाले विवादों को निपटाएंगे और दोषी पाए जाने पर दंड भी देंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। पूजा अर्चना के बाद देश भर में आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे और आशीर्वाद लेंगे। और करीब 4 से 5 घंटे तक ये पूरा जो कार्यक्रम है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का चलेगा। फिर शाम 4 बजे नाथ पंथ की विशेष वेशभूषा में योगी गोरखनाथ मंदिर लेकर जाएंगे। तो शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा बैंड बाजों नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। यहां वो श्री राम का राज तिलक करेंगे और रामलीला में प्रभु श्री राम माता जानकी लक्ष्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। और देखिए देर शाम गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन किया गया है जिसमें अमीर गरीब और जाति मजहब के भेदभाव से परे बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। यह आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करते हैं। गोरखनाथ समुदाय के लोग घंटों पहले फूलमाला लेकर खड़े रहते हैं, इससे शोभा यात्रा की खासियत और बढ़ जाती है। ये परंपरा बेहद ही खास है और देखिए हमेशा से चली आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा गोरखपुर में मौजूद रहते हैं विजयदशमी के मौके पर और इस मौके पर भी वो मौजूद है। गोरखपुर के दौरे पर है और दौरे का तीसरा दिन है और वो तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज का पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में रहने वाला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर बाद दंडाधिकारी के रूप में नजर आएंगे। इससे पहले पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से भक्ति में लीन सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं जहां विजयदशमी के मौके पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिये थोड़ी ही देर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। हर एक समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो विजयदशमी पर संतों की अदालत हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी लगाएंगे। तो योगी दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे, संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे, साथ ही दोषी पाए जाने वाले को दंड भी देंगे। और देखिए इससे पहले वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। विशिष्ट पूजा का आयोजन किया गया है जहां भक्ति में लीन पूरी तरह से सीएम नजर आ रहे हैं। और देखिए पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु और संत उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे और आशीर्वाद लेंगे। देखिए ये पूरा कार्यक्रम है 4 से 5 घंटे तक चलेगा। वहीं शाम के कार्यक्रम की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष वेशभूषा में गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा बैंड बाजों और नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। यहां वे श्री राम का राज तिलक करेंगे, रामलीला में प्रभु श्री राम माता जानकी लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे।
तो देखिए इस मौके पर भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक समाज के लोग शामिल होते हैं। देर शाम गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अमीर गरीब और जाति मजहब के भेदभाव से परे बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। यह आयोजन समाज में एकता भाईचारे का संदेश देता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घंटों पहले फूलमाला लेकर खड़े रहते हैं। इससे शोभा यात्रा की खासियत और भी बढ़ जाती है। तो ये पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है। परंपरागत तमाम कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार भी देखिए गोरखपुर में मौजूद है, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जहां दंडाधिकारी के रूप में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो विजय रथ पर सवार सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में नजर आएंगे। तो विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और देखिये गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ गोरक्षपीठ पर योगी आदित्यनाथ सुबह गुरु गोरक्षनाथ का विशिष्ट पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिये शाम को विजय रथ पर सवार होकर पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां योगी प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे। तो समरसता को के ताने बाने को मजबूत करने वाली गोरक्षपीठ की विजयदशमी की विजय शोभा यात्रा अनूठी होती है। परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा इस यात्रा का देखिए स्वागत भी किया जाता है। तो अपने आप में ही बेहद खास ये शोभा यात्रा मानी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शोभा यात्रा के स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी ही दूरी पर फूलमाला लेकर खड़े रहते हैं। यात्रा का रथ पहुँचते ही देखिए भव्य स्वागत किया जाता है। तो विजयदशमी पर नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार विशेष परिधान में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं और देखिए शोभा यात्रा का स्वरूप और कार्यक्रम पूरा रहने वाला है। तुरही नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां देव महादेव की पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो इसके बाद शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां वह आर्यन नगर की रामलीला में एक मंच पर प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से भक्ति में लीन सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और देखिए ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जहां रामलीला मंच पर प्रभु श्री राम का राजतिलक सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से करेंगे। इसके साथ प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती उतारेंगे। तो रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। तो पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें योगी अपने शिष्यों और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। देर शाम को गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का भी आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं। और देखिए गोरक्षपीठ के विजयदशमी का दिन इसलिए भी बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन देर रात यहाँ संतों का न्यायालय सजता है। इस न्यायालय में दंडाधिकारी की भूमिका सीएम योगी आदित्यनाथ निभाते हैं और नार पंथ की परंपरा के अनुसार वे संतों के विवाद का निस्तारण करेंगे। तो ये अधिकार उन्हें नाथ पंथ के शीर्ष संस्था अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ होगी और देखिए महासभा के अध्यक्ष रूप में प्राप्त है। इस दौरान पात्र पूजा का आयोजन भी होता है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से भक्ति में लीन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का रहने वाला है। तो देश भर में विजयदशमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां वो गोरखनाथ मंदिर में देखे पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं।
और देखिए शोभा यात्रा भी इस मौके पर आज निकाली जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ एक अलग ही वेशभूषा में नजर आएंगे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, हर एक समुदाय के, हर एक समाज के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तो अपने आप में ये शोभा यात्रा बेहद ही खास मानी जाती है। हर बार की तरह इस बार भी तमाम कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं। आज दौरे का तीसरा दिन है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विकास शाही हमसे जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का? देखिए जो विजयदशमी का दिन होता है वो गोरखपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी है वो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं, और वो पारंपरिक नाच संप्रदाय के वेशभूषा में वो निकलते हैं। और सबसे पहले जो आज कार्यक्रम होता है वो श्री भोलेनाथ मंदिर में, जो मुख्य मंदिर है वहाँ पहुँचे हैं और श्रीनाथ जी की पूजा कर रहे हैं। भोलेनाथ जी को श्रीनाथ जी भी कहा जाता है, और इस पूजा के बाद जो मंदिर में जितने भी अन्य मंदिर है यानी देव विग्रह हैं उनकी वो पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाएंगे और जितने भी यहाँ मंदिर है छोटे बड़े सब पर वो पूजा करेंगे। अभी श्री योगी यानी गोरक्ष पीठाधीश्वर की वेशभूषा में अभी श्रीनाथ जी की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम होता है वो 1 से 3 के बीच होता है, जो कि एक जो चुनिंदा लोग होते हैं यानी जो उनके शिष्य होते हैं वो लोग उनके तिलकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ साथ दंड अधिकारी के रूप में नजर आते हैं। जो नाथ संप्रदाय के जितने साधु संत हैं उनके भी जो आपसी कलह विवाद होता है वो की सुनवाई करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। फिर 4 बजे वो घड़ी आती है जिसके गोरखपुर का हर व्यक्ति इंतजार करता है, जब सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में जो रथ पे सवार होकर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये, हिंदू हो मुस्लिम हो हर संप्रदाय के लोग उस पे फूल बरसाते हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर का स्वागत करते हैं। जी विकास जी, के साधु संतों की अदालत भी लगाई जाएगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संतों की जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे, उसका निस्तारण करेंगे और जो दोषी होगा उसकी सजा भी देंगे। तो कितनी संख्या में ये जो साधु संत हैं वो शामिल हो रहे हैं? आपको बता दें संख्या तो अनुमानित नहीं होती है, क्योंकि वही लोग उसमें आते हैं जिनके बीच में कोई परेशानी हो, आपसी कलह हो, तो उसको दंड अधिकारी के रूप में कहा जाता है। तो जो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर होता है वो दंड अधिकारी के रूप में होता है, और जितने भी नान संप्रदाय की जो मंदिरें हैं उनके जो साधु संत निवास करते हैं उनके बीच में जो भी आपसी कलह या विवाद होता है या कोई परेशानी होती है उसको सीएम योगी सुनते हैं दंड अधिकारी के रूप में, और फिर उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं और फैसला सुनाते हैं। जी विकास देखिए, इस मौके पर भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं, हर एक समुदाय के लोग शामिल होते हैं, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं? नहीं, आपको बता दें कि जब सीएम का जो जुलूस निकलता है यानी शोभा यात्रा निकलती है 4 बजे के बाद, जब वो 5:30 और 6 के बीच में गोरखनाथ मंदिर पहुंचती है, तो गोरखनाथ मंदिर के अंदर जो कि भोज वृक्ष है वहाँ पे एक सहभोज का कार्यक्रम होता है। आम हो या खास हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी वर्ग का व्यक्ति हो उससे वो वहाँ भोजन करता है और प्रसाद वितरण होता है। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ विकास। तो देखिए ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का रहने वाला है, जहाँ वो अभी पूजा अर्चना देखिए उन्होंने की है, इसके बाद साधु संतों की जो अदालत है वो सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे, और इस बीच दंडाधिकारी की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं, और देखिए संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे, और साथ ही जो दोषी होता है दोषी पाए जाने पर दंड भी देंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने तस्वीरें देखी, उन्होंने पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। अब देखिए पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करते हुए नजर आएंगे, और कार्यक्रम को लेकर पहले से ही देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का तिलक किया जाएगा, उसके बाद उनकी आरती उतारेंगे और आशीर्वाद लेंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 4 से 5 घंटे तक चलेगा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
फिर देखिए, अगर शाम की बात की जाए तो 4 बजे नाथ पंथ की विशेष वेशभूषा में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा जो है उसकी अगुवाई करेंगे और शोभा यात्रा बैंड बाजों और नगाड़ों के बीच धूमधाम से मानसरोवर रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। यहां वे श्री राम का राज तिलक करेंगे और रामलीला में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। तो हर बार की तरह ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, जो अपने आप में बेहद ही खास और ऐतिहासिक होता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ ये पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो भक्ति भाव में लीन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पूजा अर्चना की जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां सभी ने शिरकत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और देखिए अभी पूरी तरह से भक्ति विहीन सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सभी समाज के लिए भोज का भी आयोजन शाम में किया जाता है। देर शाम गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत भोज का आयोजन होता है जिसमें अमीर गरीब जाति मजहब के भेदभाव से परे बड़ी संख्या में लोग इस भोज में शामिल होते हैं। और देखिए यह आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का जो संदेश है वो देता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ी ही दूर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग घंटों पहले फूल माला लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं और देखिए उनकी तरफ से इंतजार किया जाता है, जिससे इस शोभा यात्रा की जो खासियत है वो और बढ़ जाती है। ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो स्वागत करते हुए नजर आते हैं। देखिए साधु संतों की जो अदालत आज लगेगी उसका बेहद ही खास महत्व माना जाता है। इसकी एक अलग ही कहानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं, संतों की समस्याएं सुनते हैं और जो भी निस्तारण होता है उसके निर्देश देते हैं। साथ ही जो दोषी होता है उसे दंड भी दिया जाता है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदिरों की घंटियों के धुन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं, तमाम लोग भी मौजूद हैं। निकाली जाती है तो पीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। और फिलहाल देखिए शोभा यात्रा से पहले पूजा अर्चना जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो गोरखपुर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। तो विजयादशमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में भव्य शोभा यात्रा हर बार की तरह इस बार भी निकाली जाएगी, जहां गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजय रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और लगातार हमारे साथ विकास शाहियंत जुड़ चुके हैं।
विकास देखिए अपने आप में ही बेहद ये खास माना जाता है। आज का दिन जिस तरह से अदालत लगाई जाती है, तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर शामिल होते हैं और इस बार भी वो पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो भी गोरक्षपीठ होता है, गोरक्षपीठाधीश्वर होता है, वो आज के दिन इस वेशभूषा में नजर आता है। तो सीएम योगी गोरक्षपीठाधीश्वर भी है और अभी सीएम योगी ने सिद्धनाथ जी की पूजा खत्म की है और उसके बाद वो मंदिर में जितने अन्य मंदिर है यानी कि देव विग्रह है उनकी भी परिक्रमा करके हर मंदिर की पूजा कर रहे हैं और इसके बाद वो सीधा हनुमान मंदिर कई मंदिरों पे होते हुए तालाब के पास जाएंगे, फिर वापस लगभग जितने भी और छोटे बड़े मंदिर है मंदिर में सबका वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो फिर अपने कक्ष में जाएंगे। उसके बाद सीएम योगी थोड़ी देर के बाद जो गोपनीय कक्ष में बैठक होती है यानी कि दंड अधिकारी के रूप में नजर आते हैं, जितने भी देश प्रदेश में जो नाथ संप्रदाय के मंदिर है उनके जो साधु संत होते हैं उनके बीच में जो विवाद होता है या कोई मनमुटाव होता है उसको लेकर उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसकी वो सुनवाई करते हैं और दंड अधिकारी के रूप में सब फैसला सुनाते हैं। फिर एक कार्यक्रम होता है जो कि 1 बजे से 3 बजे तक होता है, तिलक उत्सव कार्यक्रम एक विशेष कक्ष होता है, उसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको बुलाया जाता है यानी को शिष्य के रूप में पहुंचते हैं और उनकी आशीर्वाद देते हैं और वो टीका लगा के उनका जो है आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद 4 बजे का उस समय होता है जिसका इंतजार हर व्यक्ति करता है, जब सीएम योगी यानी गोरक्षपीठाधीश्वर शोभा यात्रा यानी रथ पे सवार होकर गोरखनाथ से 3 किलोमीटर तक अंधियारी बाग मंदिर तक रामलीला मैदान तक जाते हैं। जैसे ही मंदिर से आगे निकलते हैं वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पे उनका स्वागत करते हैं, कतों से महिलाएं अपने गुरुदेव पीतेश्वर के स्वागत में फूल बरसाती हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनका अभिवादन करते हैं। ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ते हुए मानसरोवर मंदिर पहुँचती है, यहाँ पे सीएम योगी रथ से उतरते हैं और शिव भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ मंदिर जो अन्य देव विग्रह है उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद वो फिर रथ पे सवार होते हैं और बगल में जो अंधियारी बाग रामलीला मैदान है वहां पे पहुंचते हैं, राम दरबार में पहुंचते हैं, राम और लक्ष्मण जी का तिलक करते हैं माता जानकी की और सभी लोगों की आरती करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करने के साथ वापस मंदिर आते हैं और मंदिर के जो भोज कक्ष है उसमें एक सहभोज कार्यक्रम होता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर जात हर वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और सामाजिक समरसता का संदेश सहभोज के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। जी बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सभी समाज के लोग शामिल होते हैं जिसमें अमीर गरीब और जाति मजहब के भेदभाव से परे बड़ी संख्या में ये लोग शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं देखिए आयोजन से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। यह बता दें कि जो ये गोरखनाथ पीठ है हमेशा भाईचारे और सामाजिक समरसता, जहाँ कल नवरात्र के दिन वो नारी शक्ति के लिए कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद दिया जाता है, पांव पखारे जाते हैं, उसी तरह आज के दिन भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ जो शाम का सहभोज होता है उस पर सामाजिक समरसता की एक बात शुरू से रखी जाती है, हर जाति वर्ग के लोगों के साथ सहभोज कार्यक्रम मंदिर में सम्पन्न होता है। जी ठीक है, धन्यवाद विकास आपका जानकारियों के लिए। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूरा कार्यक्रम आज विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मंदिर में रहने वाला है, गोरखपुर में रहने वाला है। और देखिए जो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं आगे भी उनके तमाम कार्यक्रम चलते रहेंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में।